नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम अपन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रदेश सरकार उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। बीजेपी राज्य के आखिरी व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचाने की चुनौती पर विशेष रूप से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत और भारतीय संस्कृति का मान सम्मान और स्वाभिमान संपूर्ण विश्व में बढ़ रहा है। उत्तराखंड को भी प्रधानमंत्री का विशेष सहयोग मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आने वाले 10 वर्ष उत्तराखंड के होंगे, इसे ध्यान में रखकर हम 2030 की कार्य योजना पर काम कर रहे हैं। आगामी 9 नवंबर को हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में आयोजित होने जा रहे राज्य स्तरीय उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस को लेकर कुमाऊं कमिश्नर सुशील कुमार और डीआईजी नीलेश आनंद भरने के नेतृत्व में जिले के सारे विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की गई, जिसमें कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बता दें कि 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर मंडल स्तरीय समारोह में सुबह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आ रहे हैं, तो उनके दौरे को लेकर प्रशासन की तैयारियां जोर शोर पर चल रही हैं। तय कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री 9 नवंबर को नैनीताल रोड स्थित सैनिक स्मारक पर शहीदों को माल्यार्पण और श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, तो वहीं 10 बजे मिनी स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में भी भाग लेंगे, जहां जिले के सभी विभागों के विकास कार्यों को लेकर प्रदर्शनी लगाई जाएगी। तो वहीं रोजगार मेले का भी आयोजन किया जाएगा। कुमाऊं कमिश्नर सुशील कुमार ने बताया कि राज्य स्थापना दिवस के मौके पर जहां शहीद स्मारक में शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी, तो वहीं राज्य में आई आपदा में जिन लोगों की जान चली गई है उनके लिए कार्यक्रम में शोक भी व्यक्त किया जाएगा। बैठक राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में 10 नवंबर को एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का मुख्य अतिथि के रूप में आना प्रस्तावित है। और यह कार्यक्रम राज्य की स्थापना और उसकी उपलब्धियां और जो परिकल्पना है उन सब पर विचार विमर्श होगा, और उसमें प्रदर्शित भी किया जाएगा पंडाल्स के माध्यम से, प्रदर्शनी के माध्यम से। इसके अतिरिक्त अभी जो आपदा की स्थिति हमारे मंडल में रही है, उसमें इस अवसर पर हम लोगों को भी याद करेंगे, जिनकी जाने गई हैं उनको श्रद्धांजलि देंगे, और जो लोगों ने आपदा में बहुत अच्छा कार्य किया है उनको सम्मानित किए जाने का भी कार्यक्रम इसमें होगा। चाहे वो सेना के लोग हों, चाहे वो सिविल सोसाइटी के लोग हों, SDRF है, NDRF है, पुलिस है, राजस्व और अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी हैं। और उसके अलावा प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी, जिसमें विभिन्न विभाग अपनी उपलब्धियां प्रदर्शित करेंगे और लोगों के जो सहयोग के लिए भी कुछ पंडाल लगाए जाएंगे, और एक रोजगार मेला भी आयोजित किया जाएगा वृहद स्तर पर। तो इस प्रकार से एक पूरी रूपरेखा कार्यक्रम की बनाई गई है। 2.5-3 उत्तराखंड राज्य को बने 21 साल पूरे हो गए हैं, जिसके स्थापना दिवस कल यानी 9 नवंबर को होगी। इन 21 सालों की उपलब्धि पर राज्यसभा सांसद ने कहा कि भारत के सभी राज्यों की अपनी पहचान है, लेकिन उत्तराखंड आज भी अपनी पहचान से वंचित है। उन्होंने कहा कि 2022 में कांग्रेस सरकार सत्ता में आने पर सबसे पहले गैरसैंण को राजधानी बनाएगी, ये कांग्रेस का संकल्प है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी इस सत्र में अगर राजधानी पर निर्णय लेती है तो कांग्रेस उसका स्वागत करेगी। उत्तराखंड जो पर्वतीय राज्य था वो अपनी पहचान से वंचित था, तो एक हमारी पहचान का आंदोलन था, उत्तराखंड हमको मिला। लेकिन अभी तक इस राज्य सरकार ने जो एक बहुत बड़ी एक सांस्कृतिक पहचान होती किसी भी राज्य की राजधानी, आज भी वो उसमें महरूम है। और कांग्रेस ने उस दिशा में शुरुआत की थी, गैरसैंण में वो तमाम जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर फिर बनाए थे, विधानसभा भवन से लेकर सत्र शुरू किए थे। हमको उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में वादा किया था हम आएंगे तो गैरसैंण को स्थायी राजधानी बना करके राज्य के राजधानी के प्रश्न का समाधान करेंगे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में बातें कम काम ज्यादा गीत का विमोचन किया। ये गीत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कार्यशैली, व्यवहार, आचार विचार, युवा जोश, सकारात्मक सोच और उनके द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों पर आधारित है, जिसे YouTube पर लॉन्च किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस गीत के जरिए सरकार की ओर से किए जा रहे विभिन्न कार्यों और समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखकर जो प्रयास किए जा रहे हैं, इनका समावेश कर गीत के रूप में प्रस्तुत करने का सराहनीय प्रयास किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने मलिन बस्ती संकल्प सम्मान यात्रा निकालने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी से आग्रह किया है। रविवार को उन्होंने वाणी विहार में पदयात्रा निकाली थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस प्रकार की पदयात्रा प्रदेश भर में निकाली जाए। उन्होंने मीडिया को बयान जारी कर कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेश भर की मलिन बस्तियों में सरकार के दोहरे मानदंडों की पोल खोलने के कार्यक्रम आयोजित करे। उन्होंने याद दिलाया कि उनकी सरकार ने मलिन बस्तियों को मालिकाना हक देने का निर्णय लिया था, तो अब सरकार बस्ती में रहने वालों को क्यों प्रताड़ित करना चाह रही है। इसलिए उनके हितों की लड़ाई कांग्रेस लड़ेगी। पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य की कांग्रेस में वापसी के स्वागत में आयोजित विजय संकल्प शंखनाद रैली का कार्यक्रम ठीक दो दिन पहले बदल गया है। हल्द्वानी रामलीला मैदान में 10 नवंबर को प्रस्तावित रैली अब 11 नवंबर को होगी। जिला कांग्रेस कमेटी का कहना है कि कार्यक्रम की व्यापक तैयारी को देखकर घबराई बीजेपी ने प्रशासन को दबाव में लेकर कांग्रेस के पार्किंग स्थल को अपना कार्यक्रम स्थल बना दिया। कांग्रेस को कार्यक्रम स्थल की स्वीकृति न देने के लिए प्रशासन पर दबाव बनाया गया। नैनवाल का कहना है कि प्रशासन ने रविवार रात उन्हें और कांग्रेस महानगर अध्यक्ष को बुलाकर कार्यक्रम स्थल की स्वीकृति देने में असमर्थता जता दी। नैनवाल ने बताया कि प्रशासन ने स्टेडियम में होने वाले अपने कार्यक्रम के लिए रामलीला मैदान को पार्किंग बनाया है, इससे बीजेपी की घबराहट जग जाहिर हो गई है। दस नवंबर को हल्द्वानी के रामलीला ग्राउंड में कांग्रेस के विजय शंखनाद संकल्प जनसभा को अनुमति नहीं मिलने के विरोध में आज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में राज्य सरकार का पुतला फूंका। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार कांग्रेस के विजय शंखनाद संकल्प जनसभा से डर गई है, और इसी डर के चलते उन्होंने कांग्रेस के कार्यक्रम स्थल में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की पार्किंग को अनुमति दे दी। कांग्रेस के विजय शंखनाद संकल्प जनसभा अब 11 नवंबर को हल्द्वानी के रामलीला ग्राउंड में होगी। कांग्रेस की रैली में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह को शामिल होना था। यही नहीं, इस कार्यक्रम में हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य के स्वागत की भी तैयारियां की गई थी, लेकिन 10 नवंबर को हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित होना है, जिसके चलते रामलीला ग्राउंड को सीएम के कार्यक्रम का पार्किंग स्थल बना दिया गया है। कांग्रेस की रैली को अनुमति न मिलने के विरोध में आज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार का पुतला फूंका। उन्होंने कहा कि बीजेपी कांग्रेस की रैली से डर गई है, जिसके चलते उन्होंने कांग्रेस के कार्यक्रम को अनुमति नहीं दी। देखिए, ऐसा है, ये सत्ता का दबाव ही नहीं, ये हिटलर शाही का बड़ा जीता जागता नंगा स्वरूप है, जो नागपुर से होकर करके पहले दिल्ली बैठा था, फिर अब देहरादून आ गया, और अब आज हल्द्वानी में हम उसका जीता जागता उदाहरण देखा। अभी तो सुनते थे टीवी में, चैनलों में, सोशल मीडिया में देखते थे। आज हल्द्वानी में जो कृत्य किया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारे उसको रद्द किया, और रद्द करने के बाद 150-200 मीटर दूर पर जाकर के मुख्यमंत्री जी ने अपनी सभा कर दी। साफ दर्शाता है कि डर चुके हो तुम, तुम्हें पता है कि 2022 में तुम बुरी तरह से हार रहे हो, तुम्हारा सूपड़ा साफ होने पड़ा, तुम हिटलर की मौत मरोगे, जो हिटलर ने कर्म किए थे वो तुमने शुरू किए हैं, अब उसका अंत ये हिंदुस्तान की, उत्तराखंड की, हल्द्वानी की जनता 2022 में तुम्हें इस बात का उत्तर देगी। उसमें तो प्रत्येक व्यक्ति आमंत्रित है, हम तो सबको आमंत्रण दे रहे हैं, हम तो सभी पार्टियों के जिलाध्यक्षों को आमंत्रण भेज रहे हैं, तो वो तो एक राजकीय कार्यक्रम है, उसमें क्योंकि एक वृहद व्यवस्था करनी है, जब 8-10 हज़ार लोग आने की संभावनाएं हैं, SHG के लोग आ रहे हैं जनपदों से, 3 हज़ार बच्चे आ रहे हैं, 3-4 हज़ार, तो ट्रैफिक का एक पूरे शहर का प्लान देखना है,
तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है, निवेदन किया है और हमारे अनुरोध को उन्होंने स्वीकार किया है। और इस बात पे ये हुआ है क्योंकि हमने कहा ये विशेष स्थल से अलग कहीं आप करना चाहें करिए खुशी से, हमें कोई थोड़ा प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है, लेकिन क्योंकि वो स्थल की आवश्यकता थी और भारी संख्या में वाहन आने की संभावना है और जनपदों से गाड़ियाँ आएंगी, SHGs को लेके गाड़ी आएंगी तो पार्किंग भी कहीं ना कहीं आवश्यकता होती है, इसलिए जिलाधिकारी ने उनसे वार्ता की है और वार्ता के बाद सहमति से हुआ है। लेकिन आज उनमें भारी नाराजगी है, पूरे प्रदेश में पुतला दहन हो रहा है। नहीं, ये देखिए सबको अधिकार है, हमें उस विषय में नहीं कहना, वो सबका अपना एक वो होता है, लेकिन जो टाइमिंग अलग अलग थी और जो जो राजकीय कार्यक्रम है उस। हरियाणा की तर्ज पर वेतनमान समेत अन्य मांगों को लेकर प्रदेश भर के NHM कर्मियों ने सचिवालय कूच किया। हालांकि पुलिस ने कुछ देर पहले ही उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष सुनील भंडारी, महासचिव हरसिंह रावत ने कहा कि उन्हें एक माह का समय दिया गया था लेकिन अभी तक मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इससे कर्मचारियों में आक्रोश है। उनका कहना है कि आंदोलन के लिए उन्हें बाध्य होना पड़ रहा है। हरियाणा राज्य की तरह वेतनमान उत्तराखंड में भी NHM कर्मियों को दिया जाए, NHM में आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जा रही भर्तियों को तत्काल रोका जाए, वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों को जिला स्वास्थ्य समिति या राज्य के माध्यम से भर्ती किया जाए। वहीं पिछले लंबे समय से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रही थी, आज प्रदेश सरकार द्वारा GO जारी कर उनकी वेतन विसंगति को पूरा किया गया है, जिसको लेकर अल्मोड़ा में प्रदेश की महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्या का आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि आज प्रदेश में धामी सरकार कर्मचारियों को हर प्रकार से सहयोग कर रही है। देखिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनों की बहुत लंबे समय से मांग थी कि उनकी मानदेय वृद्धि की जाए और निश्चित रूप से मैं धामी जी का विशेष धन्यवाद दूंगी कि इतनी बड़ी धनराशि जो है आज से पहले कभी किसी पूर्ववर्ती सरकार ने नहीं किया, तो वो युवा मुख्यमंत्री जी का युवा जोश के साथ में युवा निर्णय जो इसमें दिखाई पड़ता है। आंगनबाड़ी बहनों का 1800 और मिनी का 1500 और सहायिका का 1500 की धनराशि बढ़ाई गई है, तो वही सरकार का धन्यवाद करने के लिए आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनें यहाँ एकत्रित हुई हैं। निश्चित रूप से उनके धन्यवाद से एक नई ऊर्जा भी मिलती है और निश्चित रूप से वो नई ऊर्जा के साथ में और जनमानस के लिए बेहतर ढंग से काम करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। देखिए, मैंने ये कहा है कि उनकी हमेशा से एक मांग और रही है कि हमें राज्य कर्मचारी बनाया जाए। निश्चित रूप से अपने लिए सर्वश्रेष्ठ सोचना किसी कोई बुराई नहीं है, उस सर्वश्रेष्ठ को प्राप्त करने के लिए संघर्ष हमेशा आवश्यक रहता है और मेरे सामने यह विषय आया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि जरूरी नहीं कि अगले ही कार्यकाल में हो, जरूरी नहीं कि उससे अगले कार्यकाल में हो, मैं समझती हूँ ये घड़ी किसी भी समय भी आ सकती है, लेकिन उत्तराखंड की स्थिति, परिस्थितियां, जब समय, सब चीजें मैं समझे संजोग बनेगा तो। सोमेश्वर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन बढ़ाने की मांग लंबे वक्त के बाद पूरी हुई है। वेतन बढ़ाने की मांग पर मोहर लगने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बाल विकास महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्या का भव्य स्वागत किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने हुकुम सिंह बोरा स्मारक से मंत्री रेखा आर्या के साथ जुलूस निकाला, जिसमें कार्यकर्ताओं ने मंत्री रेखा आर्या और मुख्यमंत्री का धन्यवाद अदा किया। मंत्री जी का जो हमारा धन्यवाद था वो हमारा मानदेय वृद्धि पर था, ये हमारा ऐतिहासिक, जो आज तक हमारा ऐसा मानदेय कभी नहीं बना था, जो पूर्ण कार्यकर्ताओं का बना 1800, मिनी कार्यकर्ताओं का 1500 और सहायिकाओं का 1500, और इसी के साथ हमारा आज तक कभी नहीं हुआ था, पहली बार हमारा उसी के साथ हमारा GO भी निकला, और उसके लिए भी हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जो हमारा 16 का हड़ताल ब्रेड का मानदेय कटा हुआ था। एक छोटे से ब्रेक के लिए बुलेटिन में रुक रहे हैं, आप देखते रहिए ANB न्यूज। चंखी विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। उत्तराखंड में लगभग 22,000 से 24,000 रिक्त पद और बैकलॉग के साथ समस्त खाली पद सब पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब मिलेगा हमें रोजगार का अधिकार। अब IAS, PCS, NDA और CDS जैसी परीक्षाओं के लिए
हम जैसे जरूरतमंद युवाओं को सरकार द्वारा 50,000 रुपए की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। समूह का और खा के पदों के लिए आयु सीमा में एक वर्ष की छूट दी है। और यही नहीं, मार्च 2022 तक भर्ती परीक्षाओं के लिए लिया जाने वाला शुल्क भी धामी जी ने माफ कर दिया है। राज्य के मेडिकल कॉलेजों में इंटर्न डॉक्टर का स्टाइपेंड 7,500 से बढ़ाकर 17,000 करने के बाद हम उत्तराखंड राज्य सरकार का अभिनंदन करते हैं। युवाओं के संग है हम, उत्तराखंड है हम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। जनपद सितारगंज में इन दिनों खाद लेने के लिए लंबी कतारें लगी हुई नजर आ रही हैं। देर रात से ही किसान सेवा केंद्र पर लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। बाजार में खाद की कमी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। खाद की कमी को लेकर भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। एक लंबी कतार में किसान महिला सुबह तड़के से ही खाद खरीदने के लिए बैठी रही। आप देखो कितने टाइम है मेरे पास। अगर खाना वाना खा के आई हो आप? बाकी यहाँ पानी वानी कोई व्यवस्था है? नहीं, देखना हमारा मुंह कैसा सूखा पड़ा है। पानी पीने तो वो नहीं आ रहा, फिर पीछे चले जाएंगे। पैरों में दर्द है, कुछ हमें खड़े नहीं हुआ जाके। चलो काम करने, हमारे बच्चे हैं। जमीन आपकी? सितारगंज में इस समय गेहूं की बुवाई शुरू हो चुकी है, जिसको देखते हुए क्षेत्र के किसान एनपीके और डीएपी खाद के लिए सरकारी सोसाइटियों के चक्कर काट रहे हैं। सुबह 4 बजे से ही किसान सेवा केंद्र के सामने लंबे लंबे किसानों की लाइनें लग रही हैं, लेकिन उनको गेहूं की बुवाई के लिए डीएपी और एनपीके खाद नहीं मिल पा रही। इधर पुरुष किसानों को खाद न मिलने के चलते किसानों की पत्नियां भी घर के कामकाज छोड़कर बड़ी संख्या में लाइनों में खड़ी देखी जा सकती हैं, जिससे इस बात का पता चलता है कि किसान गेहूं की बुवाई के लिए कितने परेशान हैं। एक एक किसान घरों से आके यहाँ पर लाइन में लगे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। हम ये जिम्मेदार अधिकारियों से पूछना चाहते हैं कि आप जवाब दीजिए कि दिक्कत कहाँ है। हमारा लगता है पूरा सिस्टम ही खराब है। पहले जैसे नोटबंदी में लाइनें लगवा के लोगों को मार दिया, कभी यहाँ पे जीएसटी में लाइन लगाते हैं, कभी नोटबंदी में लगा देते हैं लाइन, कभी खाद की लाइन, कभी मंडी में जाते हैं वहाँ पर धान तुलाने के लिए लाइन है। हर जगह सरकार ने लाइनें लगवा दी, तो इनको जिम्मेदार अधिकारी भी यहाँ के बताना चाहिए, जवाब देना चाहिए कि लोगों को जिनको खत्म होना चाहिए लाइन में क्यों लगा रखा है। यहाँ पर किसान आंदोलन चल रहा है, एक साल होने जा रहा है, 26 तारीख को किसान आंदोलन का एक साल हो जाएगा। ये सरकार इतनी ज़्यादा झूठी सरकार है, इतनी ज़्यादा नालायक सरकार बैठी है। किसी वर्ग के लिए भी उन्होंने काम नहीं किया, ना व्यापारियों के लिए किया, ना मजदूरों के लिए किया, ना महिलाओं के लिए किया, ना किसानों के लिए किया। इसको जवाब देना चाहिए कि क्यों ऐसी स्थिति देश में पैदा कर रही है। कॉर्पोरेट के लिए सब चीज़ खुली हुई है, कॉर्पोरेट के लिए पूरे इनके बैंकें भी खुली हैं, करोड़ों रुपये लेके व्यापारी भाग जाते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। किसान अगर 20,000-30,000 का उस पर लोन हो जाता है, उसको उठा के जेल में भाग देते हैं, सलाह में बता देते हैं, और यहाँ पर हजारों करोड़ रुपये लेके भागे, उनके पीछे कोई नहीं गया, उनको देश से बाहर उन्होंने भगाने में मदद की है। ये स्थिति सरकार की है। लोगों से हम कहेंगे कि सरकार की जो स्थिति है बहुत गलत स्थिति है, इनकी किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, मजदूर परेशान है, और इनको सरकार को जो है। PMGSY के तहत पहाड़ों पर रोड तो बनाए जा रहे हैं, लेकिन इन सड़कों के बनने पर जिन गांव के ग्रामीणों को इसका लाभ मिल रहा है, अब वह अपनी जमीन के मुआवजे के लिए रोज PMGSY के चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इस विभाग में अब लोगों के जमीन का मुआवजा बनाने वाला अमीन ही नहीं है। बता दें कि जब लोग कई किलोमीटर की दूरी तय करके विभाग में अपने मुआवजे की गुहार लगाने आते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ तो उनकी बात सुनने वाला भी नहीं है जो मौके पर जाकर उनके नुकसान का आकलन करके उन्हें सरकार से मुआवजा दिला सके। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जो है इस समय खंड में जो है अमीनों की जो है कोई भी पद तो है, लेकिन जो है कोई इस समय हमारे पास कार्यरत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ जो है इस क्षेत्र में जो है हमारे
जॉनसन बावर वाले क्षेत्र में जो है मतलब लोगों के मुआवजे के काफ़ी प्रकरण जो है आते हैं डेली, ठीक है ना। तो इससे संबंधित जो है हमने जो है अमीन के विषय में जो है डिमांड भी जो है उच्च अधिकारियों से कर रखी है, ठीक है। तो इसमें जो भी पहले वाले काफ़ी प्रकरण भी हमारे लंबित हैं, तो उसमें हमारे द्वारा जैसे जैसे जेई संबंधित जेई द्वारा जो है अपने ही स्तर से जो है जो भी कार्रवाई की जा रही है उसकी पत्रावली बना के हम उच्च अधिकारियों को प्रेषित करके और जैसे जैसे वो स्वीकृत होती जा रही है हम उसमें जो है वितरण का भी जो है काश्तकारों को कार्य कर रहे हैं। सर देखिए 2009 में जो रोड कटी है जो कुला रायगी त्यूनीवाज रोड है उसमें मात्र 2016 तक 15 तक एक अमीन था माया राम तोमर करके, पूरा डिवीजन उसके ही अंदर था, जबकि यहाँ कम से कम छः अमीन होने चाहिए थे एक भी। और अभी क्या हुआ कि डेढ़ दो साल हो गई है, दो साल करीबन तीन साल होने वाली है, उनको यहाँ से ट्रांसफ़र कालसी डिवीज़न से ट्रांसफ़र करके दूसरे डिस्ट्रिक्ट में डाल दिया गया है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। जबकि सभी ग्रामीण लोग बात करूँ मैं रोड मुंदोल की या डेढ़सा प्यूनल की और कुलार आएगी मोटर मार्ग जितने भी मोटर मार्ग है बानपुर है जीटाड मोटर मार्ग है जितने भी मोटर मार्ग पीएम जसवाई से कटे हैं किसी भी मोटर मार्ग में अभी तक मुआवजा प्राप्त नहीं हुआ है। काश्तकार परेशान हैं और अपने काशीपुर डेवलपमेंट फोरम ने किच्छा की तरह काशीपुर में भी उपलब्ध भूमि का प्रस्ताव एम्स की स्थापना के लिए चयन कमेटी के समक्ष रखने की मांग की। उन्होंने सीएम को संबोधित ज्ञापन संयुक्त मजिस्ट्रेट को सौंपकर एम्स सैटेलाइट केंद्र की स्थापना काशीपुर में करने की मांग की है। सोमवार को केडीएफ के अध्यक्ष राजीव घई के नेतृत्व में फोरम के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन संयुक्त मजिस्ट्रेट आकांक्षा वर्मा को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि कुमाऊं में एम्स की शाखा खोलने के लिए सर्वप्रथम मांग काशीपुर के लोगों ने उठाई। उन्होंने कहा कि काशीपुर में हेमपुर और एस्कॉर्ट फॉर्म में भूमि उपलब्ध है। उन्होंने उपलब्ध भूमि का प्रस्ताव भी एम्स केंद्र खोलने के लिए गठित चयन समिति के समक्ष रखने की मांग की है। काफ़ी समय से हम लोग ये मांग कर रहे थे कि हमारे काशीपुर में एम्स के सैटेलाइट सेंटर की स्थापना की जाए। हमारी प्रदेश सरकार ने हमारी केंद्र सरकार ने हमारी बात को माना स्वीकार किया और कुमायूं में एक सैटेलाइट सेंटर काफ़ी इन्हीं कारणों से वो मांग हमारी भी काशीपुर में स्थापित करने की वो यहाँ से हमारे ही जिले में एक दूसरे स्थान पर शिफ्ट की जा रही है ऐसी सूचना मिली है। तो हमारा ज्ञापन के माध्यम से अपने स्थानीय प्रशासन से अपनी प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से ये निवेदन है कि काशीपुर की आवश्यकता को देखते हुए इस स्थान के महत्व को देखते हुए उस संस्थान को काशीपुर क्षेत्र में ही स्थापित करने की हमने मांग रखी। दो ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, एक ज्ञापन जो है जो एम्स का एक सैटेलाइट सेंटर खोलने की बात जो चल रही है काशीपुर डेवलपमेंट फोरम चाहता है, उसके अलावा पूरी जनता और पूरा प्रशासन चाहता है कि वो जरूर से ज़रूर काशीपुर में बने, तो एक ज्ञापन उस संबंध में है। और दूसरा ज्ञापन है कि हमारे जितने भी विभाग हैं चाहे शिक्षा विभाग हो पीडब्ल्यूडी हो जल संस्थान हो सभी विभागों द्वारा हर साल बहुत सारी योजनाएं प्रस्ताव की जाती हैं, उनकी डीपीआर भी भेजी जाती है मगर सभी योजनाएं धरातल पर नहीं आती हैं, तो उस चीज़ की एक अगर सूची उनको उपलब्ध करा दी जाए ताकि हमारे द्वारा भी ट्रैक किया जा सके कि कौन सी। वहीं हरिद्वार में कुंभ मेले के दौरान कोविड टेस्ट में हुए घोटाले के मुख्य आरोपियों को एसआईटी टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। हरिद्वार एसएसपी ने प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि एसआईटी टीम ने दोनों मुख्य आरोपियों शरद पंत और मल्लिका पंत को दिल्ली से गिरफ्तार किया। हरिद्वार में कुंभ मेले के दौरान कोरोना जाँच के संबंध में घोटाले का एसआईटी टीम ने पर्दाफाश किया है। और उसमें कुछ अंतरिम धन भी प्राप्त किया गया था, तो जब प्रथम दृष्टि के सामने आई थी तो इसमें जो समय के जो अधिकारी गण थे उनके द्वारा इसमें मुकदमा का संख्या 593/21 कायम हुआ था और इसके बाद ही जो थे वो सीएमओ के पास रजिस्टर कर रहे थे एस के जहाँ उसके बाद किया। तो पूरी विवेचना में मुख्य अभियुक्त इसके जो शरद पंत और मल्लिका पंत ये इसके मुख्य अभियुक्त थे, इसके अलावा इसमें कई अन्य अपराधीगण इसमें शामिल थे। इसमें जो विसंगतियाँ थी वो मूल रूप से ये थी कि जो आईसीएमआर से अधिकृत होने की लैब थी वो सर्टिफिकेट लैब्स नहीं थी, इस प्रकार
सरकार को उस टाइटल ही भी वही गलत हुई और उसके बाद जो बिल प्रस्तुत किए गए करीब 1,24,031 व्यक्तियों की टेस्टिंग दिखाई गई थी और इनके करीब 4 करोड़ से अधिक के बिल प्रस्तुत किए गए थे जो कि बाद में उनको फिर उनका पेमेंट होल्ड कर दिया था लेकिन करीब 15,41,000 का पेमेंट हो चुका था। बाकी में जब ये चीजें सामने आई तो आज उनका पेमेंट होल्ड किया जब एक तरह से सरकार की जो क्षति हुई है वो 15,41,000 की। जनपद उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 10 नवंबर को होने वाले छठ महापर्व की तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं मेला घाट 22 पुल बगुलिया आदि क्षेत्रों में भी श्रद्धालु महिलाओं और सामाजिक संगठनों द्वारा नदी नालों तालाब के किनारे बने छठ घाट की साफ सफाई और सौंदर्यकरण का अभियान तेज कर दिया गया है। पुरानी बनी छठ मैया की प्रतिमा की रंगाई पुताई के साथ ही नई प्रतिमाओं का भी निर्माण किया जा रहा है। छठ पूजा इसलिए मनाते हैं बच्चे के लिए मनाते हैं छठ पूजा। यहाँ के लिए क्या क्या व्यवस्था की है, यह नदी नाला किनारे सफाई उफाई हो रहा है, नाला किनारे ही बना रहे हैं, छठ पूजा के जुगाड़ नाला किनारे ही कर रहे हैं। काफ़ी है बहुत इलाका में पूजा, ये पूरा गोरखपुर के पूर्व अंचल के ही सब है। पूरे देशवासियों को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएँ। जैसे कि हर साल यहाँ पे छठ पूजा का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, पिछले बार यहाँ पे जो छठी मैया का प्रतीक है लगभग यहाँ पे 500 के करीब थे, इस साल 200 नए बनाए गए हैं लगभग। और उसके बाद रंगाई पुताई का कार्यक्रम यहाँ खिलड़िया के कमेटी के सदस्यों द्वारा किया जा रहा है और यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन छठ पूजा के दिन भव्य तरीके से किया जा रहा है, जिसमें इस क्षेत्र में लगभग 25,000 से 30,000 पूर्वांचल के लोग रहते हैं। बड़े धूमधाम से मनाया जाता है हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मनाया जाता है। आप सभी का भी इस हमारे पूजन में अभी क्षेत्रवासियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और इस त्यौहार को लेकर हमारे जो कि SS कलेर साहब हैं उनका भी इस पर्व को लेकर अच्छा योगदान है, समय समय पे वो भी आ रहे हैं यहाँ पर जायजा ले रहे हैं समय समय पर घाट की सफाई का व्यवस्था हर चीज़। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे SS कलेर साहब हैं। इसी के साथ अपने उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।